तो CTSD का अच्छा वाला मॉल सारा बेंच खाली है, जो थे वो भी चले गए। काजल मैम की क्लास देखिए, एकदम पूरी भरी हुई क्लास खाली हो गई, फिर से 20 लोग चले गए। आज खाना खाने जा रहे हैं मेस में, बहुत बढ़िया खाना बनने वाला है। मेस कर दिखाते हैं गाइस, आर्मी यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा गाइस, यहाँ पर बहुत भीड़ है भाई, यही खाना खाने जाते हैं हम लोग। अभी अभी भीड़ भी दिखाएगा कितना होता है, भीड़ दिखाएंगे कितना भीड़ रहता है। लोग मेस में खाना खाने जा रहे हैं, मेस में पता नहीं है क्या है खाना में, तो आपको दिखाएंगे क्या क्या खाया जाता है। बढ़िया व्यवस्था है, खराब नहीं है, आपको लग रहा होगा LPU है, नहीं पारुल यूनिवर्सिटी पारुल है। ये गाइस बहुत तरह का बच्चा है, इधर भी देखने लग गया। अब इधर अंदर का कुछ बताओ, मेस नंबर 6 में देखिए हमारा मेस एसी में, देखिए गाइस एसी में खाना पीने का व्यवस्था है। पहले लाइन इतना पार करेंगे तो खाएंगे, इतना लंबा लाइन वहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लाइन सब बढ़िया खाली लाइन में लगना होता है। हेलो गाइस, यहाँ से हमको प्लेट मिलेगी खाना खाने के लिए, और वहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना। पढ़ाई के दौरान मोबाइल चलाते रहता है, ठीक है कि वीडियो जाएगा, क्या कर रहा है तुम वीडियो भी बना रहे सर, वहाँ पे है। हेलो सर, और वहाँ पे है अपना स्टडी का, हम आधा पैसे दिए इसलिए लिख नहीं रहे, आधा पैसे दिए इसलिए हम लिख नहीं रहे, वो सब लिख के बैठे हैं। जिस दिन पूरा देगा उस दिन से लिखेगा, जिस दिन पूरा देंगे उस दिन पूरा लैब मैनुअल एक्सपेरिमेंट सब लिखेगा। एक वहाँ पे लिख रहा है ना, नाम बताएं। नाइस टू मीट यू ऑल, नाम बताएं। तो हम एम आदित्य रेस्टोरेंट एंड आर्या, स्पेशली दैट आर्या बेस्ट फ्रेंड, ये आर्या है, इसका नाम आर्या है। अभी हमारा क्लास ट्रिपली लैब, अभी ट्रिपली लैब में सामने लैब करवाया जा रहा है सर, वहाँ पे वहाँ हमारे सर हैं ब्लू शर्ट वाले, और अभी जूम करो सर को, जूम करो सर पे फोकस, ये सर है हमारे जो दाढ़ी है जिनका ब्लू शर्ट पहने हैं, वाइट वाले शर्ट वाइट वाले टॉप, ये कहाँ गए, ये सर है, ये अभी जस्ट आया है, इसका पेयर चल रहा है, और अभी इसके बाद हम लोग का समय आएगा, उसको भी जाना होगा साथ में, पूरा समय भी जाना पड़ेगा सर। भाई पीछे के जो तीन दिख रहे हैं ये भी हमारे साथ जाएंगे, और ये सारे हमारे बीटेक के बैच वाले हैं, फर्स्ट बैच वाले, अभी आधा बैच अलग है। ये हमारा सेकंड CR है, जब गलती से आ जाता है थोड़ा लेट वेट, आधे दिन मन को आते हैं कोई दिक्कत नहीं, आधे दिन आते हैं हमारे CR सारा काम कर लेते हैं हमारा, एक CR तक हमारे आए भी नहीं है, अभी स्टूडेंट किट लेने गए हैं। क्लास के बाद भी कोई पढ़ाई लिखाई करता है, ये हमारे क्लास के CR, यही क्लास का CR है जो आ जाता है रोज, लेकिन आधे घंटे बाद ये इसको तो सब जानता होगा, इसको भी सब जानता होगा। नमस्ते दोस्त, देख सकते हैं, देखिए इंस्ट्रूमेंट सब यही व्यवस्था है, ये हमारा अभी लैब का इंस्ट्रूमेंट, अभी इसी पे हम लोग पढ़े लिखे हैं, फिर अभी जा रहे हैं वापस। संडे का दिन, और अभी इस वक्त पे सुबह मेरे को अभी निकलना है वडोदरा। अगर आप पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और इसी हॉस्टल में रहते हो, तो आपके पास सैटरडे एंड संडे दो दिन का समय होता है जिसमें आप कहीं भी घूम सकते हो, तो अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप ऐसे जा नहीं सकते हो, आप 6 से 7 लड़कों के लिए और 5 से 6 लड़कियों के लिए, तो अगर आपको उससे पहले जाना है तो आपको अपने रेक्टर से गेट पास बनवाना होगा। सो मेरा गेट पास तो बन चुका है, एंड इट्स लुक लाइक दिस, आज है संडे का दिन और मेरे को अभी निकलना है वडोदरा। यहाँ पारुल यूनिवर्सिटी से बस भी जाती है, ऑटो भी जाती है, बट जो सबसे सस्ता पड़ता है वो बस पड़ता है। लेकिन अगर आप स्टेशन से इधर भी आ रहे हो कॉलेज पे, तो आप पारुल यूनिवर्सिटी पे सीधा 20 रुपये बस का वो रेट होता है से आ सकते हो, अगर आप ऑटो लोगे तो वो 100, 200, 300, 400, 500 जो भी चार्ज कर उन पर डिपेंड करता है। ये जान पहचान वाला लड़का है, गेट पास घर बैठे बैठे करवाता है, जिसको भी गेट पास चाहिए इसको कांटेक्ट करें, ये कांटेक्ट इसका साइट पे जाके सीधा इसको कांटेक्ट करें, अटल में रहता है, मतलब ये GNUMS ऑनलाइन का गेट पास,
तो 10 बजे का निकलने का समय था और ये 10:30 बजे पहुंचा है, हमेशा लेट। 9:30 बजे पहुंच गए हैं हम यहाँ। इधर गुड नाइट मोमेंट चल रहा है अभी, यानी कहते ये भी आज गेट पास लेके जा रहा है, ये हमेशा लेट आता है, कहीं भी जा रहा है, सब तुमको बताए, वहाँ बता दिया ना गेट पास में, फॉर रीजन बता दिया, अब तुमको ही होता है। ये हमारा ट्रॉली बैग आ गया है नीचे, जल्दी इस ट्रॉली बैग का इस्तेमाल बहुत सही चीजों के लिए होगा, घर जाने के लिए। जब लोग देखेगा तो इसको दिख जाएगा। अपना बाल दान किया है, बाल बलिदान करते हुए फाइनली हम लोग निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, और इस इतने गंदे धूप में। ये है टैगोर भवन, ये है सी वी रमन बिल्डिंग, और हमारा आज़ाद ये है वो है अटल भवन बी, सुभाष चंद्र बोस भवन, और इधर से जाते हुए ग्रिंजी होते हुए निकलना होता है। तो इतना गंदा धूप है, इसके बाद भी ये छाता नहीं खोलता है, छाता छिपा लेता है, इसके हाथ में साक्षात छाता दिख सकता है पूरा, लेकिन यूज नहीं करता, इसको शर्म आता है छाता यूज करने में। पूरा कैंपस अपना खाली है, यही मंडे और कल के दिन में पूरा भरा भरा रहेगा। और यहाँ का एक यूनिक बात कि कितना भी धूप हो, कितना भी कॉलेज में लेट हो रहा हो, खाली बस जाएगा लेकिन आपको बैठाएगा नहीं, तो भले वो खाली पूरे कैंपस में घुमा ले। इसी तरह बहुत बहुत लोगों की गाड़ी आती है जो हमें दुख और पहुंचा के जाती है, क्योंकि हमें तो पैदल चलना पड़ता है। और यहाँ से मेन कैंपस जाने के अगर आप आराम से जाते हैं, बहुत आराम से, तो 20-25 मिनट लगेगा, लेकिन हम लोग कॉलेज के टाइम पे 9 मिनट में भी कवर कर रखे हैं। यह है सी वी रमन सेंटर, जिसका आज़ाद और अटल से इसमें पड़ता है, जैसे अनिकेत का तो बहुत सही है। यहाँ लैब वैब होता है और इसी में मैक वैक का है। यह है आई लव पी यू, जो नेचुरली अपना बनेगा कुछ समय में। और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं इस कैंपस से बाहर मेन गेट की तरफ, अपना गेट पास दिखा के निकलना होता है, और गेट पास के लिए आपको 8:30 से 9:30 के बीच में अपने डायरेक्टर से कांटेक्ट करना होता है, और फिर आपको वो पेरेंट्स कॉल करवाओ तो बनता है। और अटल वाले ये ऑनलाइन करवाते हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, मम्मी पापा से वेरिफिकेशन के लिए बगल वाले भैया से करवाते हैं, हो गया बगल वाले भैया से हो गया। ये है ग्रिंजी सामने, अभी पूरा ग्रिंजी खाली है। इस तरह बहुत भवन दिखता है, ये भगत सिंह भवन है, अकॉर्डिंग टू रुद्र ये BCA वालों का भवन है, जो भी पढ़ाई होता हो। ये हमारे कॉलेज का सो फेमस ग्रीन जी, जहाँ पे ये हमेशा क्लास के बाद 1-1.5 घंटे बैठता है, हम दिखते ही नहीं, इधर सिर्फ कपल्स बैठते हैं, इसलिए ये सिर्फ कपल बैठते हैं, इसलिए तो ये बैठता है, रोल नहीं है इधर बैठने का, हमारे अटल भवन के इधर हेयर कट करवाने के नाम में इधर बाहर बैठे गेट पास लेके, ये सब भी काम होता है, तो मेहनत से गेट पास करवा, ऊपर से आके ग्रिंजी में बैठो, यही ये भी वही काम करता है। अपने कैंपस का फिटनेस सेंटर जो संडे को बंद रहता है, आज तो इतना खाली है। ये है अपना वो स्टेशनरी, ये संडे का माहौल है, बाकी दिन तो पूरा भरा पड़ा था। ये अपना फेमस टी पोस्ट, ये हमारा गेट, और यहाँ पे होता है चेकिंग ऑफ गेट पास, जितना भीड़ है सारा गेट पास के लिए भीड़ है। तो फाइनली हमारा चेकआउट हो चुका है पारुल यूनिवर्सिटी से, और इस तरफ हम हैं क्योंकि इधर से आता है बस, और इधर से बस पकड़ते हुए अगर मिला तो फिर बस से निकलेंगे इधर से वापस। ये है अपना बस स्टैंड, यही है अपना बस स्टैंड, ऑटो के पीछे वाला वो है अपना पारुल का गेट, और वहाँ से इतना तक का डिस्टेंस है, ये पारुल से आश्रम हॉस्पिटल, और यहीं पे फल फूल का दुकान उगान है, इधर ही से सारा सामान होता है, छोटा सा कुछ एरिया है उसका सब पूरा खाली है, इधर पारुल सेवा आश्रम हॉस्पिटल है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं वडोदरा सिटी, ये हमारे सामने है वडोदरा का सीन,
और बहुत समय के बाद हमें सीट तो मिल ही गया था। अभी हम लोग खाने पीने के पहले देखते, उसके बाद इन और वेट फिर और ये वडोदरा स्मार्ट सिटी बस। और अपने कॉलेज से यहाँ आने का बस 20 रुपये लगता है। ये सयाजी पुलिस स्टेशन। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं इन ऑर्बिट मॉल और अभी गेंडा सर्कल के पास पहुंच चुके हैं। आ चुके हैं मेन रोड की तरफ और इधर से अभी भी डेस्टिनेशन आया तो नहीं है, लेकिन बहुत करीब है हम लोग। मे भी इन ऑर्बिट में कैमरा अलाउ होगा नहीं, वहाँ तो बंद करवा देगा। फिर भी हम लोग ब्लॉग की कोशिश करेंगे, फोटो सही बीच बीच में डाल देंगे। तो चेक करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करें, दोनों का आपको वो ID स्क्रीन पर दिख रहा होगा।